टाटा uh, नैनो का एक प्रोजेक्ट था जो वेस्ट बंगाल में आना था पर uh, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ वन क्यों नहीं हुआ आपको पता है या पॉलिटिकल uh, विल नहीं थी uh, बहुत सारे जो गांव के लोग थे उन लोगों ने मना किया uh, क्योंकि उनको समझाया नहीं गया था कि ये कितना ज़रूरी है प्रोजेक्ट आपके लिए स्टेक होल्डर मैनेजमेंट नहीं हुआ था तो um, और और भी बहुत सारी चीज़ें थी उसमें सिंपलिसिटी स्टेक होल्डर्स को इंगेज नहीं किया था तो आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट को सक्सेस के लिए कितना ज़रूरत होता है स्टेक होल्डर्स का अंडरस्टैंडिंग दैम फाइंडिंग आउट कि कौन कौन से हमारे ऐसे लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्हें हमें मैनेज करना है जिनको जिनके बारे में हमें सोचना है कि वो लोग खुश रहें और हमारा प्रोजेक्ट क्लोज ना करें तो चलिए शुरू करते हैं हम क्या सोचेंगे और क्या सीखेंगे वॉट इज़ अ स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर की डेफिनेशन क्या है और हाउ डू वी एंगेज विद स्टेक होल्डर सो सेकेंड थिंग कि हम स्टेक होल्डर के साथ एंगेज क्यों होना चाहते हैं रीजन्स अबाउट इट और uh, uh, कैसे हो सकते हैं सो so, शुरू करते हैं तो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के लिए हमें तीन चार चीज़ें करनी होती है पहले हमें पता करना होता है स्टेक होल्डर्स है कौन कौन उसके लिए हमें स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए वी विल लर्न दैट फिर हम प्लान करते हैं कि हम ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हमने पता किया है आइडेंटिफाई किया है लोग एंटिटीज़ जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है इनके साथ हम एंगेज कैसे करेंगे एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ हम कैसे उनसे बात करेंगे मेल भेजनी है तो मेल भेजेंगे ब्रॉडकास्ट करना है न्यूज़पेपर छापना है uh, या हमें उनसे वन ऑन वन बात करनी है तो हाउ डू वी एंगेज विद दैम किस टॉपिक पे बात करनी है क्या इंटरवल पे करनी है तो सेकेंड uh, चीज़ है कि आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स हाउ डू वी एंगेज विद उसके बाद में हाउ डू ही मैनेज स्टेक होल्डर्स मैनेज स्टेक होल्डर्स का मतलब um, जब हम स्टेक होल्डर्स से एक्चुअली मिलते हैं ऐसे प्लान में क्या करते हैं हम सिर्फ अभी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम सोचते हैं आज मुझे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के लिए प्लान करना है तो मैं बोलूँगी अच्छा अगले हफ्ते मिलेंगे जैसे आप सोचते हो ना कि अच्छा पूरे साल के लिए बजटिंग क्या है तो आप सिर्फ सोच रहे हो अभी कुछ कर नहीं रहे वैसे ही प्लान के वगैरह हम सिर्फ सोचते हैं डॉक्यूमेंट करते हैं करते नहीं हैं उसे मैनेज स्टेक होल्डर जब हम एक्चुअली मीटिंग करेंगे जब हम एक्चुअली मेल uh, भेजेंगे तो जब हम करेंगे व्हेन वी डू इट सो दिस इज़ पी दिस इज़ डी एंड देन सी ए कंट्रोल एंड एक्ट कंट्रोल एंड एक्ट मतलब कभी कभी स्टेक होल्डर्स नाराज़ होंगे आपसे तो आप कैसे उनको मैनेज करेंगे um, कभी कभी स्टेक होल्डर्स को पता ही नहीं है कि दे उनका कुछ काम है या उनसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हमें या उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं गई होगी तो फिर हम वापस आके अपनी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे और फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टेक होल्डर्स चेंज होते रहते हैं तो मंथली वीकली हम लोग नए स्टेक स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और uh, जो पुराने हो गए हैं जो रिटायर हो गए या चेंज हो गया जॉब प्रोफाइल उन्हें हटा देंगे अपने प्रोजेक्ट से बिकॉज दे आर नो मोर स्टेक होल्डर्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली बात स्टेक होल्डर्स होते कौन हैं तो आप पहले ये सोचिए कि स्टेक होल्डर्स वो है जो स्पॉन्सर भी स्टेक होल्डर्स हो सकता है स्पॉन्सर कौन जिसने पैसा लगाया है अपना कस्टमर्स या यूजर्स जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे वो भी स्टेक होल्डर्स हैं आप सोचिए मैगी एक टाइम पे आना बंद हो गई इंडिया में मैगी बिकना बंद हो गया सोडियम ज़्यादा था उसमें इसलिए उसका जॉब चला गया तो ऐसे तो एम डी वॉज अ स्टेक होल्डर इन ऑब्वियसली द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी सेलर्स एप्पल जब रिलीज करता है अपने प्रोडक्ट्स तो आ, अपने वेंडर्स को भी इंगेज करता है सेलर्स और वेंडर्स हम लोग इंटरचेंजबली यूज़ करते हैं पी एम पी के टर्म में या सी के टर्म में तो जो भी हमारे वेंडर्स हैं वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस पार्टनर्स स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट प्लेसेस जहाँ से आपके अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ जिसमें दो बॉसेस होते हैं एक आपका डायरेक्ट लाइन मैनेजर और कई बार आप कई और प्रोडक्ट्स के लिए कई और प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे होते हो तो छोटा मोटा काम तो वो भी आपके मैनेजर्स हैं तो अभी हम क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर्स या लाइन मैनेजर्स उनसे आप रिसोर्सेस लेते हैं तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले कि स्टेक होल्डर्स होते कौन हैं और क्यों हम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सो दिस इज़ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो काफ़ी बड़ी अच्छी स्लाइड है पहले तो पता करते स्टेक होल्डर्स है कौन मैं एक बार खड़ी होके अपना वाइट बोर्ड था और कोई इशू था मैं खड़ी थी और सोच रही थी किसको एलोकेट करना चाहिए या कौन इसको काम को करेगा तो मेरा वन ऑफ माय बॉस ही केम एंड ही सेट कविता क्या देख रही है तो आई लुक दैट हिम कि मुझे समझ में नहीं आ रहा टेरी इसको किसे देना चाहिए um, टेरी वाज वेरी फार साइटेड टेरी ने कहा अरे जिसको सबसे ज़्यादा पिटाई होगी अगर ये काम नहीं होगा तो मैं ये काम उसे देना चाहिए सो स्टेक होल्डर्स भी ऐसे हैं अगर प्रोजेक्ट क्लोज हो जाए या प्रोजेक्ट बंद हो जाए तो सबसे ज़्यादा किसको मार पड़ेगी सबसे ज़्यादा किसको प्रॉब्लम होगी वो डेफिनेटली आपका स्टेक होल्डर है सो थिंक इट लाइक दिस अगर एक हाईवे बन रहा है और ये हाईवे बनता बनता क्लोज़ हो जाए तो जो भी अफेक्ट होगा वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं कस्टमर जिसने पैसा लगाया है दो पीपल जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग जो यहाँ से डिस्पर्स हुए ऑल ऑफ दोज पीपल सो ऑल ऑफ दिस पीपल आर योर स्टेक होल्डर्स सो ये सबसे ईजी तरीका है पता करने का कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेक होल्डर है क्या प्रोजेक्ट में यस yes, डेफिनेटली क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर अगर प्रोजेक्ट क्लोज ठीक से नहीं हुआ तो किसका प्रमोशन सही नहीं होगा प्रोजेक्ट मैनेजर का टीम मेंबर्स आर दे स्टेक होल्डर्स डेफिनेटली यस प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा अगर मेरा अप्रेजल सही नहीं हुआ तो मेरे टीम मेंबर्स ने ठीक से काम नहीं किया तो टीम मेंबर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं दी टॉप बॉस ऑफ द कंपनी वो स्टेक होल्डर है क्या प्रोजेक्ट का प्रॉब्बली येस yes, क्योंकि इफ अ बिग प्रोजेक्ट फेल्स तो सारा सारा जिम्मेदारी किसके पास होगा ऑब्वियसली दी ई ऑफ द कंपनी सो अगर आप ये सोचोगे कि जो प्रोजेक्ट फेल होगा और उससे कौन कौन अफेक्ट होगा वो डेफिनेटली स्टेक होल्डर है सो so, वो बहुत सिंपल था पता करने के लिए स्टेक होल्डर कौन कौन है इसके अलावा भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट बेस्ड स्टेक होल्डर्स सो हमें पता करने के लिए कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं हम देख सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन सो इंटरेस्ट किसको हु हैज़ इंटरेस्ट ऑन द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल दोज रिमेंबर आई टोल्ड यू एप्पल um, का जब प्रोडक्ट निकलता है एप्पल के जो वेंडर्स हैं जो छोटी छोटी एक्सेसरीज बेचते हैं उन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि एप्पल क्या लाने वाला है कब लाने वाला है ऑल दो यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स जिनके वीडियोज़ चलते हैं तो ऑल ऑफ दोज पीपल आर योर स्टेक होल्डर्स तो ऐपल उनको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है बिकॉज दे आर दी स्टेक होल्डर दे मेक दी कंपनी बेटर देगी फीडबैक और वो पॉपुलराइज करते हैं एप्पल को सो so, उनको भी आ, आपको मैनेज करना है और कौन हो सकता है पीपल हु गेट अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट आउटकम सो ये कौन लोग हैं जिनका अगर प्रोडक्ट आया और उस प्रोडक्ट से आपको कुछ इफेक्ट हुआ एक नया मॉल आ रहा है किसी लोकेलेटी में और यहाँ का जितना भी रियल एस्टेट है वो उन लोगों का प्रॉपर्टी या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा बेस्ड ऑन दी काइंड ऑफ प्लेस यू आर एट तो ये लोग भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं आपको इन लोगों को मैनेज करना है एक रोडवेज बन रहा है और यहाँ के, लो के, के लोग डिस्पर्स हो रहे हैं इन्हें हटा के कहीं और लेके जाना है धारावी प्रोजेक्ट सारे धारावी मुंबई के लोग डिस्पर्स होंगे अलग हटाए जाएंगे तो वो सारे लोग अगर बैठ के हड़ताल कर दें तो प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाला सो so, उनको आपको समझाना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट क्यों अच्छा है किस लिए इसकी ज़रूरत है क्यों आपको हमारे साथ कॉपरेट करना चाहिए और कैसे ये आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाएगा सो so, वो सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें मैनेज करना पड़ेगा सो इंटरेस्ट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया फिर दूसरा क्राइटेरिया टू फाइंड आउट दी अदर स्टेक होल्डर्स राइट्स कई बार स्टेक होल्डर्स आते हैं और आपका बिल्डिंग को बिल्कुल मना कर देते हैं दिस इज़ इलीगल बिल्डिंग कंगना रनावत के साथ ऐसे हुआ तो ऑल दोज रेगुलेटर्स जो आके आपके प्रोजेक्ट को क्लोज कर दे वो भी स्टेक uh, होल्डर्स है uh, तो उनको भी हमें मैनेज uh, करना पड़ेगा सम पीपल हुवुड का मन से ग्रीन नहीं है ये प्रोजेक्ट बंद करो मायावती का प्रोजेक्ट जो नोएडा में उसने अपना पार्क बनवाया था आपको पता ही होगा उस पार्क की वजह से मायावती की सरकार नेक्स्ट टाइम नहीं चुनी गई क्योंकि वो सारे स्टेक होल्डर जो सब बोलते थे ग्रीन होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए उन्होंने इतना ज़्यादा नेगेटिव um, कैंपेनिंग uh, किया मायावती के लिए एंड आई एम नॉट गिविंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या होता है उनको मैनेज कर लेते तो शायद मायावती की सरकार नहीं गिरती पर वो नहीं हुआ तो वो सारे स्टेक होल्डर्स दे बिकेम अनमैनेज तो प्रोजेक्ट um, सक्सेसफुल नहीं हुआ um, उसको रोकना पड़ा बीच में सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया और प्रॉब्लम हुआ आपको पता ही होगा दी अदर डायमेंशन इसके अलावा हम कैसे ढूंढ सकते हैं स्टेक होल्डर्स को ओनरशिप अगर कोई किसी लैंड पे आप कुछ बनाना चाहते हो वो आपका नहीं है तो डेफ़िनेटली आपको उसके ओनर से बात करनी पड़ेगी बाय करना पड़ेगा सिमिलरली वेबसाइट आप बना रहे हो और उसमें एक प्लग इन यूज़ करना है तो आपको उसकी ओनरशिप उसका और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली जे वी करना पड़ेगा बात करनी पड़ेगी ओनर से सो हु ओन्स वॉट वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग फ्राम समवेयर एल्स नॉलेज इज़ ऑल्सो स्टेक होल्डर्स तो जो भी नॉलेज वर्कर्स हैं आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स पी एम ओ जो आपको बताएगा बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है वो भी स्टेक होल्डर है उनके साथ भी एंगेज करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन बिकम्स अनदर पैरामीटर अनदर डायमेंशन जो अगर कोई पैसा दे रहा है आपको तो वो स्टेक होल्डर है अगर कोई रिसोर्सिस दे रहा है थिंक अबाउट अयोध्या अयोध्या में मंदिर बन रहा है वहाँ पे छोटे छोटे बहुत लोग आ रहे हैं वॉल्टियर कर रहे हैं पैसा दे रहे हैं ये सारे स्टेक होल्डर्स है इनका नाम कहीं इन पे लिखा जाएगा पब्लिश होगा और वो खुश होंगे अगर उनको इग्नोर कर दिया तो ऑबियसली ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और लोगों का कंट्रीब्यूशन छोटा छोटा है पर जितने भी बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको इंगेज करना ज़रूरी है सो दैट दैट्स हाउ वी फाइंड आउट ऑल दी स्टेक होल्डर्स तो हम लोग स्टेक होल्डर्स में कैटेगरीज नहीं लिखते हम लोग नाम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं कि टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स कंपनी के अंदर कस्टमर सेलर यूज़र्स और उन बंदों के नाम लिखते हैं तो इंटरनल के अंदर बहुत सारे नाम आ जाएंगे कस्टमर के अंदर ज़्यादा आ जाएंगे सेलर्स के अंदर भी और आ जाएंगे उनका डेजिक क्या है कॉन्टेक्ट डिटेल्स सो हर एक का कॉन्टेक्ट डिटेल्स ई मेल ये सब आपको पता होना चाहिए उसके बाद हम क्या करेंगे uh, हम लोग पता करेंगे कि इनको हमारे ऊपर uh, कितना इंटरेस्ट है कि हाउ मच टू दे वॉन्ट टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट अगर वो बोलेंगे हमें बहुत सेलर्स फॉर एग्जांपल एप्पल का प्रोडक्ट निकल रहा है उन सेलर्स को बिल्कुल पता होना चाहिए डायमेंशनस क्या है उस एप्पल के प्रोडक्ट की तो इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई बट कई बार आपका सीनियर बॉस है और आपको आपका प्रोजेक्ट चल रहा है एंड ही हैज़ टू लुक एट हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट तो उसका इंटरेस्ट शायद इतना नहीं होगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर तो इंटरेस्ट वुड भी लो सो so, आप ये अपने आप अज्यूम नहीं करोगे आप पूछोगे लोगों से आप मिलोगे उनसे या सर्वे करोगे और पूछोगे हाउ मच इंफॉर्मेशन डू यू वांट फ्रॉम माय प्रोजेक्ट आपको डेली मीटिंग्स में आना है आपको मंथली ईमेल चाहिए क्या चाहिए तो लोग बताएंगे तो आप लोग नोट करिए उसको एन अथॉरिटी अथॉरिटी का मतलब कैन दिस पर्सन स्टॉप माई प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट Uh, कर सकता है कि नहीं कर सकता वो अथॉरिटी है तो देर आर सम यू नो स्टेक होल्डर्स जो आपके प्रोजेक्ट को क्लोज करा सकते हैं हाईवे प्रोजेक्ट एक मंत्री नाराज़ हो गया वो आपके प्रोजेक्ट को क्लोज करा सकता है अथॉरिटी uh, नाराज़ हो गई अथॉरिटी के पास फंड्स नहीं है या आपने कहीं से अप्रूवल नहीं लिया आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा सो अथॉरिटी फॉर दोज टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स इज़ हाई अथॉरिटी मतलब कैन दे स्टॉप माई प्रोजेक्ट इफ़ दे कैन हाई इफ दे कांट डू एनीथिंग ऑन माई प्रोजेक्ट लो सो दैट इज लो अथॉरिटी तो हम लोग ये भी इंफॉर्मेशन अपने स्टेक होल्डर रजिस्टर में लिख लेंगे सो मेरा स्टेक होल्डर रजिस्टर में पाँच या दस नंबर नाम नहीं होने चाहिए मेरे स्टेक होल्डर रजिस्टर में एटलीस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव नाम तो होने ही चाहिए इवन इफ इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट ओके सो अगर स्टेक होल्डर का रिक्वेस्ट आ गया तो सबसे पहले किसको जवाब देना है सीआईओ का भी मेल आया आपको एक रिक्वेस्ट के लिए आपके प्रोजेक्ट डेटा के लिए और आपका टीम मेंबर भी आपको बोल रहा है कि मुझे कुछ डेटा चाहिए तो आप किसको पहले जवाब दोगे दैट इज़ प्रायरटाइजेशन इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं आप कैसे मैनेज करोगे आप वन ऑन वन तो नहीं करोगे तो आप स्टेक होल्डर्स को डिवाइड कर लोगे कुछ ग्रिड में या क्यूब में आम, या सेलियंस um, मॉडल में सेलियंस मॉडल क्या है um, मैंने एक वीडियो बनाया सेलियंस मॉडल के लिए आप देख सकते हैं सेलियंस मॉडल इज़ अ क्यूब विच हैज़ थ्री वेरिएबल सो क्यूब हम या तो ऐसे दिखा सकते हैं या इजी तरीके से हम लोग सेलियंस मॉडल का क्यूब ऐसे दिखा सकते हैं इसकी तीन डायमेंशन है um, क्या डायमेंशन है प्री डिफाइंड आप चेंज नहीं कर सकते वन इज़ पावर सेकेंड इज अर्जेंसी इसको कितना जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड लेजिटमेसी इज ही ऑथोराइज टू सी दैट इन्फॉर्मेशन सो जहाँ जहाँ ये ओवरलैप होता है इसका मतलब ये बंदा बंदा ए इसको अर्जेंटली इन्फॉर्मेशन भी चाहिए लेजिटमेट भी है लेट से दिस गाय, ही इज इस नेम इज सी सो दिस हुज नेम इज सी इसके पास पावर भी है और ये लेजिटमेट भी है पर कुछ लोग पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पावर भी होगा और अर्जेंटली इंफॉर्मेशन भी चाहिए और लजिटमेट भी होंगे तो वो इस बैंड के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल सो आप देखोगे कि कौन से लोग कैसे हैंडल करने हैं ये सेलियंस मॉडल है पी एम या सी के लिए आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए पावर अर्जेंसी एंड लेजिटमीसी ग्रिड हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्क्रीन uh, में द लास्ट थिंग विच आई वांट टू कवर इज डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस आप क्या हो हमेशा आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो और आपके पीयर्स कौन से हैं अदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स या ऑपरेशन मैनेजर एनी बडी विद अ डेजिग्नेशन ऑफ मैनेजर वो आपका पीयर है तो अगर आप कम्युनिकेट करते हो या मिलते हो और आपका इन्फ्लुएंस इन लोगों के ऊपर है लाइक यूनियन वर्कर तो यूनियन मैनेजर होता है या ऑफिसर होता है उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है जो पी से नीचे हैं काम कर रहे हैं तो उस इन्फ्लुएंस को क्या बोला जाएगा डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस आपसे नीचे आना डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस साइडवर्ड इन्फ्लुएंस इज़ द पीपल हु आर योर पीयर्स सो ऑपरेशन मैनेजर्स अदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपवर्ड सीनियर मैनेजमेंट जो भी हैं आपका सी आई ओ सीनियर मैनेजर डायरेक्टर्स ऑल ऑफ दिस पीपल ये सब लोग आपसे ऊपर आते हैं तो अगर कोई इनको मैनेज कर सकता है उस बंदे का इन्फ्लुएंस बोला जाएगा अपवर्ड इन्फ्लुएंस आउटवर्ड इन्फ्लुएंस कई लोगों का इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास एक बंदा था कॉन्ट्रैक्टर और वो सिर्फ बीएसएनएल को मैनेज करता था पेमेंट कैसे निकालनी है क्या काम कराना है तो उसका इन्फ्लुएंस क्या था आउटवर्ड

Uh, मैंने लोगों से मिला बात किया और सब लोगों से मिल के उनका इंटरेस्ट पूछा कि आप बड़े बॉस से मिलने गए और उनसे पूछा आप डेली मीटिंग में आओगे बड़े बॉस ने कहा नहीं 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 शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी आम वेरी बिजी तो मतलब इंटरेस्ट ज़ीरो है लो है तो बट अथॉरिटी हाई है तो मैंने बड़े बॉस का नाम कहाँ रखा यहाँ पे बड़े बॉस बीबी इन दिस क्वार सो बी बी कम्स इन दिस हाई पावर एंड लो इंटरेस्ट क्वार्रेंट तो अभी देखते हैं हर एक क्वार्रंट के लिए तो ऐसे बहुत सारे नाम इकट्ठे हो गए डी और जी ये आए हैं क्वार्रंट में लो इंटरेस्ट एंड लो पावर इसका क्या मतलब हुआ ना तो इन्हें इंटरेस्ट है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है दे आर वेरी बिजी इन देयर अदर वर्क और इनके पास पावर भी नहीं है ये आपका प्रोजेक्ट क्लोज नहीं कर सकते तो आप इनके साथ क्या करोगे इनको बहुत सारे इनके लिए ई मेल लिखो लिखोगे क्या अलग से बैठ के नहीं आप इनके लिए टाइम वेस्ट करोगे डिटेल में इंटरेस्ट जगाओगे नहीं तो इनके लिए जिन लोगों के पास पावर भी कम है और इंटरेस्ट भी नहीं है आप दे डोंट वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर प्रोजेक्ट इन लोगों के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि कुछ भी काम नहीं करना है तो आ, हम क्या करेंगे इन लोगों को लिख देंगे कुछ काम नहीं करना है पर कल कोई आपका बॉस बन जाए फिर क्या होगा कल को इस बंदे का पावर चेंज हो जाए डेजिग्नेशन चेंज हो जाए फिर क्या होगा तो आपको ये बंदे को मूव करना पड़ेगा अलग क्वाड्रेंट में या डी जो है वो सवाल पूछने लगे क्या होने वाला है अब क्या हो गया आपके प्रोजेक्ट में दैट मींस उसका इंटरेस्ट लेवल चेंज हो गया तो आपको उसे शिफ्ट करना पड़ेगा नए क्वाड्रेंट में तो हम इन लोगों को जिनका पावर और इंटरेस्ट लो है दोनों लो है उनको हम सिर्फ मॉनिटर करते हैं मॉनिटर मतलब वी जस्ट चेक आफ्टर लेट से यू नो अ वीक और अ मंथ कि इनका इंटरेस्ट तो चेंज नहीं हो गया इनका पावर या डिजिग्नेशन तो चेंज नहीं हो गया एंड देन वी प्लान फॉर देम तो ये लिस्ट के लिए हम कुछ काम नहीं करते नो वर्क बट हम इनको वॉच करेंगे अगर इनका कुछ स्टेटस को चेंज हो गया तो इसलिए पी एम बॉक में इसका नाम दिया गया वॉच लिस्ट वी वॉच दैम वी वॉच दैम इफ देयर डेजिग्नेशन चेंजेस और देयर इंटरेस्ट चेंजेस ओके लेट्स लुक एट दिस क्वाड्रेंट ना व्हाट इज दिस क्वाड्रेंट इंटरेस्ट हाई है और पावर लो है कौन लोग हो सकते हैं ऐसे अगेन थिंक अबाउट एप्पल और एंड देयर सेलर्स एक्सेसरी सेलर्स तो देयर इंटरेस्ट और ब्लॉगर्स देयर इंटरेस्ट आर वेरी हाई देयर पावर इज़ वेरी लो दे कॉन्ट चेंज द एप्पल आउटकम बट देयर इंटरेस्ट आर वेरी हाई बिकॉज उन लोगों को वीडियोस बनाने हैं उन लोगों को एक्सेसरीज बनाना है तो उनको एंगेज करने के लिए एप्पल क्या करेगा इफ़ यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विद इन एप्पल तो आप क्या करोगे आप उनको इन्फॉर्मेशन देते रहोगे अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे कि क्या डायमेंशनस है क्या नया प्रोडक्ट आने वाला है दे विल बिकम वेरी डिसटिस्फाइड वो आपके लिए गलत प्रचार करना शुरू कर देंगे या एक्सेसरीज़ अच्छी नहीं निकलेंगी, इससे फ़ायदा नहीं है आपको यू वुड वॉन्ट दम टू सक्सीड सो so, आप उनको इन्फॉर्मेशन दोगे नया रिलीज़ रिलीजियाँ आने वाला है यू माइट वांट टू कॉल देम फॉर ऑल हैंड्स और सम काइंड ऑफ मीटअप जिसमें आप बताओगे क्या नए प्रोग्रेस है तो कीप देम इंफॉर्म्ड इन्फॉर्म्ड सेंड देम ईमेल्स, मेल्स मे बी हैव सम ग्रुप मीटअप्स एंड सो ऑन। लेट्स लुक एट दिस डायमेंशन नाउ डायमेंशन विच इज और द्वार विच इज इंटरेस्ट इज हाई एंड सॉरी इंटरेस्ट इज लो एंड पावर इज हाई ये कौन लोग हो सकते हैं मेरा बॉस मेरे बॉस का बॉस बड़ा बॉस सी आई ओ सी लेवल पीपल दे वुड हैव डिफरेंट यू नो प्रायोरिटीज़ बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी है स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज करनी है उनके लिए प्रोजेक्ट प्रॉबली फ्यू प्रोजेक्ट में हैव लॉड ऑफ वैल्यू फॉर देम बट छोटे प्रोजेक्ट हो सकता है वो उनके पास टाइम ना हो एंड दे वुड से कि आई विल टेक ऑल द इंफॉर्मेशन फ्राम योर बॉस सो मैं नहीं आऊँगा डेली मीटिंग में मुझे कोई मेल मत भेजना एंड सो ऑन सो दैट मीन्स यू हैव टू कीप दैम अंडर द स्क्वाड्रेंट ना हमारे पास था एक बंदा बीबी बिग बॉस जो स्क्वाड्रेंट में था उसने कहा शक्ल मैं दिखा था मुझे अपनी आई हैव नो टाइम फॉर यू ऐसे हो सकता है नॉट इन दीज वर्ड्स पर ऐसे हो सकता है तो अब आप क्या करोगे आप उसको सी करना शुरू कर दोगे किसी भी मेल में नहीं उन्होंने कहा था ना कि मेरे पास टाइम नहीं है सो डोंट सी सी दैम हमारी आदत है हम लोग सी सी कर देते हैं मेल में पर अगर उनके पास एक रिपोर्ट जानी है बिग बी, बॉस वान्स अ रिपोर्ट एवरी मंथ तो आप वो रिपोर्ट एग्जैक्टली exactly, सही फॉर्मेट में करेक्ट डेटा के साथ भेजोगे दे विल बी हैप्पी और सेटिस्फाइड जब उनकी इन्फॉर्मेशन नीड पूरी होती है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी उन्हें कम इन्फॉर्मेशन नहीं देनी अगर मंथली रिपोर्ट चाहिए तो मंथली रिपोर्ट ही देनी है अगर वीकली टेम्पलेट में कुछ रिपोर्ट जाना है तो वही देना है नो अटैचमेंट नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनके पास टाइम नहीं है uh, एंड डोंट गिव दैम लेस इंफॉर्मेशन अगेन दे गैट यू आपके ऊपर चिल्लाएंगे तो उनको कीप दैम सेटिस्फाइड उनको जितना इंफॉर्मेशन दिया जाए एफिशेंटली इफेक्टिव इंफॉर्मेशन दीजिए आप सो दास्ट थिंग विच इज दिस क्वाडरेंट वट इज दिस क्वाड्रेंट इंटरेस्ट इज ऑल्सो हाई एंड पावर इज ऑल्सो हाई दिस इज वेरी नाइस अगर आपके पास इस क्वाड्रेंट में ज़्यादा लोग हैं इसका मतलब क्या हुआ um, कि आपके पास स्टेक होल्डर्स हैं जिनका पावर हाई है मतलब वो आपको आपके प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं या आपके प्रोजेक्ट की हेल्प कर सकते हैं um, अगर उनका पावर हाई है तो और इंटरेस्ट uh, भी हाई है मतलब वो जानना चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है सो so, ऐसे स्टेक होल्डर्स अगर आपके पास हैं मैनेज दम क्लोजली वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेज क्लोजली आप बात करिए उनसे आप सक्सेस बताइए उन्हें कुछ भी अच्छा होता है पिकअप द फ़ोन अगर वो रिमोट लोकेशन पे है पिकअप दी फ़ोन टेल दैम क्या अच्छा हुआ क्या अच्छी न्यूज़ आई. अगर वो आप ही की लोकेशन पे है यू माइट डॉट गो वॉक आप उनके पास जाएँ उन्हें इन्फॉर्मेशन बताएँ कि ये ये हो गया ये अच्छा हो गया इस इस वजह से अच्छा हो गया गिव दम थैंक्स इन केस देव हेल्प्ड यू और अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आपके प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई यू कैन रीच आउट टू दिस पीपल आप जाके इनसे बात करें वो शायद आपकी हेल्प कर दें आपसे ज़्यादा रिसोर्स है ना इनके पास दे आर मोर दे हैव मोर पावर आपका बॉस कहाँ पे आता है इसी क्वाड्रेंट में और उसके पास ज़्यादा रिसोर्सिस हैं आपसे बेटर क्वालिफाइड और डेजिग्नेशन वाइज़ क्वालिफाइड है और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है बिकॉज योर सक्सेस इज हिज सक्सेस और कई बार हम इरीटेट हो जाते हैं कि इतना क्वेश्चन क्यों पूछता है बट अंडरस्टैंड ही कैन ही और शी कैन हेल्प यू तो आप उसको मैनेज करिए अच्छे से मैं फ्रेंड्स बनाओ गो हैव कॉफ़ी विद दैम टॉक टू देम डेवलप ट्रस्ट विद योर स्टेक होल्डर्स हाउ डू यू डेवलप ट्रस्ट कैसे करते हैं कॉमन टॉपिक्स पे बात करते हैं आइट लाइक अ सेल्स का है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप सेल्स कायज़ के यू नो मैनुपलेट द वे दे मैनिपुलेट सो बिहेवियर मैनिपुलेशन हॉबीज मैनिपुलेशन टॉक टू दैम बींग देयर विद इन अ रूम ऑल्सो डेवलप ट्रस्ट सो मैनेज दैम क्लोजली डेवलप द ट्रस्ट बिटवीन ऑल दी स्टेक होल्डर्स आपके काम आएगा सो लेट्स टू दी स्टेक होल्डर एनालिसिस ये लेट्स प्ले करते हैं कहाँ कर सकते हैं आप आप इसको पास पी एम पी इन ट्वेंटी वन डेज स्टडी गाइड से कर सकते हो या अगर आपके पास बुक है और सी ए पी एम कर रहे हैं तो सी ए पी एम में भी ये चैप्टर uh, है और लेट्स प्ले है तो ये करते हैं और मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में बात करती हूँ इसके बाद अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए या आपने सुना है आ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट लिखेंगे बताएंगे कि एपिसोड कैसा है आई एम डूइंग दिस एपिसोड बिकॉज आई रिक्वेस्ट किम फ्रॉम समबडी कि आप हिंदी में एपिसोड जो कर रही थी वो जारी रखिए तो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग एन मिल टमी इसके लिए मैंने ये एपिसोड किया है सो मॉरऑल बढ़िया आता है अच्छा लगता है सो so, आपसे फिर से बात करेंगे कल कर, या नेक्स्ट वीक और स्टे हेल्दी एंड इंजॉय दिवाली थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी डे टू यू बाय